देखिए अभी देखा आपने 27 मेंबर से 18 मेंबर हमारे ब्लॉक समिति के बने हैं और बड़ागुड़ा में और इसमें नाथसुरी चौकटा में हमारे अभी कुछ मेंबर बीच में, क्योंकि आज शादियां बहुत हैं, कुछ नहीं आज के मैं भी शादी हुए जा रहा हूँ, आज वो अनुभूत सब है, बहुत शादियां उन दोनों में भी हमारे जब तक फिजिकली नहीं आए मैं नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा अंदाज है कि उनमें हमारे बहुत अच्छे एक साइजेबल मेजोरिटी हमारे साथ है। दोनों ब्लॉक में नाथसुरी चौकटा और बड़ागुड़ा में हमारे कम से कम 14-15 मेंबर बने दोनों। जिला परिषद चुनाव नतीजों को कैसे देखते हैं सर, क्या वजह रही, आपने कोई कंक्लूजन? देखिए एक हमारा मेंबर 4 नंबर ब्लॉक से बना है, बाकी बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से 500-600 वोटों से हारा है, कोई 500 से हारा, मम्मटवाड़ा 500 से हारा, ये आपका खारिया जो 6 नंबर जो था 600 से हारा, ऐसे ही एक तो झाड़ू वालों का इधर 3 जो मैं समझता हूँ जो आंदोलन चला था ना उसका इस बेल्ट में थोड़ा सा प्रभाव रहा था कि वो जो एक नॉन चेहरे हो गए थे जो आगे ट्रालियों पे खड़े रहते थे, लोगों ने वो देख के उन्हें वोट डाल दिए थे और बाकी पैसा नहीं था। पर मैं ये समझता हूँ कि जो मेंबर जीत के आए हैं 27 उसमें कहीं प्रभाव और उसमें कहीं फ़र्क नहीं है। ब्लॉक समिति के मेंबर आपस में सरपंच के वोट पर रहते हैं, सरपंच उसको डाल देते हैं, कई तरीके के क्रॉस वोटिंग भी रहती है। मैं नहीं समझता हरियाणा में कहीं आम आदमी पार्टी का, यहाँ 3 जीत गए वो एक अलग विषय है, 4 या जितने भी जीते हैं, पर बाकी हरियाणा में कहीं नहीं है। यहाँ जो थोड़ी सिख बेल्ट थी इसमें आंदोलन का ज़्यादा रहा, उसी में थोड़े आए हैं वो मेंबर बने हैं, जिसको हम नकार नहीं सकते जो इलेक्टेड आए हैं वो, पर वो ऐसे 5 मेंबर शायद बने हैं। पर अगर पूरे 24 में देखें तो कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, बाकी हरियाणा में कहीं भी नहीं है। अब विधानसभा के चुनाव आएंगे, गुजरात हिमाचल दोनों आ रहे हैं, पड़ोसी स्टेट है हिमाचल के, वहाँ भी मेरे अंदाजे में जो फीडबैक आ रहा है ये एक आम आदमी पार्टी नहीं है, कांग्रेस से फाइट है, जिला परिषद नहीं है, किसी की भी नहीं है, किसी के 7 आए, किसी के 6 आए, किसी के ऐसे हैं। अब भी कुछ नहीं, अभी तो वोट होगी, उसके बाद जब डिक्लेयर होंगे तब पता लगेगा किसकी एसोसिएशन कहाँ है, अभी कोई सिंबल से तो आए ही नहीं है किसी के, सब इंडिपेंडेंट है, जिस पे पहुंच गया वो कहता है मेरे साथ है मेरे साथ है, इसका तो तभी तय होगा जब चुनाव होगा। अभी चौटाला दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन उनका होगा, INLD की बड़ी जीत है यहाँ पर, और कई तरह की बातें। देखिए वो तो ये भी कह रहा था कि विधानसभा हमारी होगी, 90 में हम सरकार बनाएंगे, वो विधानसभा नहीं बनी। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जब बनेगा तब होगा ना, तो जिसका होगा जो लोगों ने चुना वो बनेगा, अगर उनका तो उनका बनेगा, अगर हमारा जीता है तो हमारा बनेगा, वो तो मेंबर तय करेंगे, ये अजय मैं या वे हम नहीं करेंगे। तो जहाँ जिन जगहों पर हार हुई सर, 6 नंबर वार्ड में आप भी गए, क्या कमियाँ क्या रही, आप उनको अब तलाशने की कोशिश की जाएगी? देखिए अगर वहाँ गगनदीप चुनाव लड़ता तो आप भी जानते हैं कि रिजल्ट कुछ और होता, और बड़ी टफ फाइट थी, 600 वोटों का फर्क रहा। पहले 9 राउंड में तो राजकुमार जीत रहा था, एक साधारण कार्यकर्ता अगर उन्हें इतनी बढ़िया फाइट दे रहा है तो फिर आप ये समझे ना कि कहीं भी नहीं है वो। मैं नहीं मानता इसे कि कोई चुनाव जीतने का, 6 पहले 9 राउंड में जीत ही जीत होते रहे, एक खाली बालासर एक गांव के रिजल्ट से सारा मामला बदला है।